तो कुछ दिनों पहले थी ईद, लेकिन ईद से पहले क्या था? कुछ नया करते हैं। तो रमजान मुबारक के महीने का आगाज हुआ और उसके ठीक 5 मिनट बाद मैंने एक स्टोरी लगाई। ये यस, रमजान मुबारक टू ऑल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। आई नो आई एम लेट, बट मैंने छोड़ लो। तो रमजान का पहला रोजा था एंड आई वॉज लिटिल बिट एक्साइटेड एंड लिटिल बिट नर्वस, पता नहीं क्यों। लेकिन लोग रमजान में सहरी तक जाग के पबजी खेलते हैं। आई एम नॉट अ पबजी प्लेयर। अबे बंदा मार यार, वो है यार, हेडशॉट मार, हेडशॉट हेडशॉट। अबे यार कौन है? आई एम, लेकिन आई एम अ नूब पबजी प्लेयर एंड अ प्रो नेटफ्लिक्स व्यूअर। स्ट्रेंजर थिंग्स का मैंने season 3 नहीं देखा था, तो देखना जरूरी था। वैसे एक्साइटेड फॉर season 4। खैर, और जो सैरी की गेम्स थी ना, फुल यूनिक। और रमजान काफी जल्दी गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, और पता भी नहीं चला कब आया और कब गया। लेकिन रमजान के मैं एक दिन के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, और वो है चांद रात। चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। चांद रात मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलते हैं डिफरेंट मिशंस, और जो मेरा मिशन थे वो थे दो। पहला मिशन था कि मैंने बाल कटवाने थे क्योंकि बाल काफी बड़े हो गए थे, और बाल कटवा लिए है, ऐसी कटिंग हुई है, देख लो, साइड पोल, राइट पोल, लेफ्ट पोल देख लो, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा मिशन मेरा ये था, मैंने कपड़े ढूंढने थे। अब लॉकडाउन था, कपड़े लेने जा नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, तो क्या करें। मैंने अपनी अलमारी खोली, मैं उसके अंदर कपड़े ढूंढने लग गया, और फिर मुझे एक शलवार कमीज मिली। यस, और मुझे फिर याद आया कि मैंने तो लॉकडाउन से पहले ही शॉपिंग कर ली थी, तो मामला इजी हो गया, दोनों मिशंस कंप्लीट हो गए। और एक तो ये जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं और ये जो जो भी चौधरी है, अच्छा जी, तो इनकी लड़ाई में तो पता नहीं चला कि कब चांद रात है और कब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसी दिन अपनी तैयारी करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा कल हो सकती है तो कर लो। फिर जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ये कहा तो क्या चांद नजर आ गया है, और ईद उल फितर कल 24 मई 2020 को होगी। तो चांद नजर आ गया, मुबारक, चांद रात मुबारक, और कल ईद होगी। लेट्स गो टू मिशन ईद 3। मामला हैवी हो गया बॉयज। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब बारी थी ईद की, और हर साल मेरी ईद उल फितर बहुत फेवरेट ईद है क्योंकि, और ईद के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ। जैसे ही सुबह अलार्म बजा, मैं उठा, तैयार होने गया, और मैं आया जब, तो वाइब्स कह रही थी कपड़ों की कि कुछ नया करते हैं। हेलो, यस, ईद मुबारक टू ऑल मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड। जो जो ये देख रहे हैं उनको ईद मुबारक। आज अभी की नमाज पढ़ के आए हैं और अच्छा फील हो रहा है कि, और आज काफ़ी बड़ा दिन है, काफ़ी जगह जाना है, तो सारी चीज़ें चेक कराता हूँ, बस कपड़ों के सीन्स चेक। तो ईद की दोपहर को मैं गया था चाचू के घर, चाचू ने न्यू घर बनाया और पहली दफ़ा मैं गया था, तो मैंने कहा चेक मार।
तो वैसे बात करूँ तो मैं यहाँ पहली दफा है और नया घर है चाचू का, तो अभी पहली दफा देखा है और व्यू काफी अच्छा है, तो सिनेमैटिक्स ईदी मिल गई है वैसे काफी। तो चाचू के घर इतना शुगर नहीं लगा और अब हो गई थी शाम और शाम का प्लान था पोपो की तरफ। अच्छा तो सीन ये है अब के मैं चाचू के घर से आ गया, वहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो अब है डिनर टाइम और डिनर जाना है फूफो के घर, और फूफो के घर सही शुगर लगेगा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा फैमिली इकट्ठी हो रही है, ज़्यादा है तो वहाँ पे मज़ा आएगा, तो चलते हैं वहाँ पे। मैं वैसे ही तैयार हुआ हूँ, वही सेम चीज़ें, बस मैंने जूते चेंज किए जूते, तो ये चलते हैं। और जहाँ तक ईदी की बात है, मुझे तो एक इनवेलप मिल गया जिसके अंदर मैं अपनी सारी ईदी डालता गया डालता गया डालता गया और काफ़ी हो गई। तो पप्पू के घर भी शुगर लगा लेकिन वो दिखाने वाला शुगर नहीं था। तो खाना वगैरह खा लिया, अभी देखते हैं कुछ शुगर मोल हुआ तो दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो नहीं दिखाऊंगा। तो हो गया था सोने का वक्त और मुझे नहीं पता था कि अब ईद के डे टू को क्या होता है, देखते हैं अब। सो इट वॉज सेकेंड डे ऑफ ईद और मुझे सुबह उठते ही पता चल गया कि हमने कहीं नहीं जाना क्योंकि किसी ने है आना। तो तकरीबन 8 बजे मेरे आए अंकल और रात के, सुबह के नहीं रात के 8 बजे आए मेरे अंकल, और उनकी और पापा की बातें सुन सुनकर 12 बज गए सुबह के 12 AM। और मुझे पता चल गया था कि मेरा ईद का ये सेकंड डे हो गया वेस्ट और कुछ करने के लायक रहा नहीं है यहाँ पे और कुछ दिखाने के लायक भी नहीं रहा, तो लेट्स मूव टू ईद डे 3। सो इट वॉज डे 3, मुझे पता था कि कहीं जाना है, तो सुबह उठते ही मैं चले गए अपने खाला की तरफ दावत पे, और वहाँ पे बड़ों की बातें सुनने के अलावा और खाना खाने के अलावा कुछ खास हुआ नहीं। और हाँ ईदी भी खैर, वैसे मेरी खाला का घर मेरे नानों के घर से 10 मिनट की दूरी पर है, पैदल भी जा सकते हैं। तो लोग ईद के दूसरे दिन जाते हैं अपने नानों की तरफ, लेकिन दूसरा दिन था वेस्ट बिजी, तो इसलिए मैं गया तीसरे दिन। तो उधर गया और ईदी का मामला हैवी शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा ही खट्टी हो गई क्योंकि आई हैव मच ऑफ मामूज एंड मच ऑफ खालास, तो यस मामला ज़्यादा हैवी हो गया। और एक मिनट रुको, ये भी दिन एंड नहीं हुआ क्योंकि शाम को था हैवी सीन, शाम को जाना था अंकल की तरफ, तो अंकल की तरफ सारा कुछ हो गया है तो अब अंकल के घर जाना है और अंकल के घर हम चलते हैं। और ज़्यादा सीन्स दिखाऊंगा, सिर्फ खाने के सीन्स दिखाऊंगा तो वो आप देख लीजिएगा, बाकी चलते हैं। तो वहाँ के भी कुछ सीन्स हैं देख लो, वहाँ पे YouTube की बातें तो हो नहीं रही थी जो मैं इतना इंटरेस्ट लूँ, जो बातें होनी थी वही हुई एज ऑलवेज। और वैसे खाने के तो मज़े के सीन्स हैं, देखना चाहें तो देख लें। सो ईद हैज बीन डन, मिशन ईद के डेज पूरे हो गए थे। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू डू लाइक मारो और नीचे कमेंट करके बताओ और कैसी वीडियो चाहिए, और मैं Q&A भी लाऊंगा फ्यूचर में। और अब से ये YouTube की ब्रेक ख़त्म, 3 महीने हो गए थे मुझे, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब ब्रेक ख़त्म, अब काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगी, इतनी भी लेट नहीं आएंगी, 1-2 वीक्स हो सकता है लेट, मंथ से लेट नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपसे अच्छी वीडियो लेके आऊँ। सो दैट वॉज इट, सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस।